नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 2015 में चाइना से एक वांग नामक व्यक्ति ने यूके की एक यूनिवर्सिटी में एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। उसको उसमें एडमिशन मिल गया और कुछ ही समय में वो ब्रिटेन पहुंच गया। अब जैसे ही वो ब्रिटेन पहुंचा, उसके कुछ ही समय में उसके कुछ दोस्त बने और उन्होंने इसको अपने वहां अलग अलग पार्टीज में इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, या कोई भी अन्य यूरोपियन नेशन हो, वहां पर हाउस पार्टीज होना काफी आम बात है। तो इसमें वॉन्ग को कोई भी रेड फ्लैग नहीं लगा, बल्कि उसने हैपिली इन पार्टीज में जाना शुरू कर दिया। बाद में जिन लोगों ने वॉन्ग को उन पार्टीज में इन्वाइट करना शुरू किया था, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वॉन्ग को पैसे देकर अपने कंट्रोल में, अपने काबू में किया जाता। तो उसी के चलते उन्होंने वॉन्ग को एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर की। अब फिर से एक बार वहां पर, यानी कि यूके में, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, या यूएस में, या किसी भी वेस्टर्न नेशन में पार्ट टाइम जॉब कर एक बहुत ही सामान्य बात। उसी के चलते वांग ने वो जॉब भी एक्सेप्ट कर ली, जो कि एक कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए थी। पर वहां पर जो उसके साथ हुआ वो थोड़ा अलग था। अब ऐसे सभी कंट्रीज में जहां पर पार्ट टाइम जॉब करना बहुत ही आम बात, वहां पर उन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस डिसाइड किए हैं। और ज्यादातर केसेस जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी नए लोग होते हैं, जो लोग पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को उन मिनिमम वेजेस के ऊपर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉन्ग के लिए परिस्थितियां कुछ अलग थी। वॉन्ग को उस मिनिमम वेज से कई गुना अधिक पैसा ऑफर किया गया था। इस पर्टिकुलर बात से वॉन्ग के दिमाग में कई सारे रेड फ्लैग्स खड़े हो गए। इन सब रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए वॉन्ग ने वहां पर जॉब स्टार्ट कर दी और अपनी जो कंसल्टिंग सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो जो दोस्त थे, वो जो कंपनी थी, उसने वॉन्ग के पास से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकलवाना शुरू किया और उसके बदले में उसको और भी पैसा ऑफर करने लगे। अब ऐसा क्यों था? तो सबसे पहले वो जो लोग थे, जो पहले तो दोस्त बने और बाद में जिन्होंने ये पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया वॉन्ग, वे लोग ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के मेंबर्स थे। MI6 RNAW की तरह काफी प्रख्यात है अपने स्पाई गेम्स के लिए, अपने एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया। और सामने जो वॉन्ग था, वो जब चाइना में था तब वो ऐसी पोजीशन में था कि वो चाइना के जो स्टेट सीक्रेट से उसके साथ डील कर रहा था। तो इन लोगों ने, MI6 के जो एजेंट्स थे, उन्होंने सबसे पहले वॉन्ग को ट्रैप किया और उसके बाद उसके पास से चाइनीज स्टेट सीक्रेट्स निकलवाना शुरू किया। धीरे धीरे करके वॉन्ग ने भी अपने आप को डबल एजेंट के रोल में एक्सेप्ट कर लिया और वहां से पूरी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू हो। लेकिन उसके बाद MI6 के ये जो एजेंट्स थे, उनकी नजर पड़ी वॉन्ग की पत्नी पर, जिसका नाम था जो। अब जो ये जो थी वो भी चाइनीज स्टेट सीक्रेट्स जानती थी और उन्हीं के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। तो उसके ऊपर MI6 की नजर गई और उन्होंने उसके पास से चाइनीज स्टेट सीक्रेट्स निकलवाने के अलग अलग कंडे अपनाना शुरू किया था। सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने वॉन्ग को ट्रैप किया था फाइनेंशियल मीन्स से, वो उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जो उससे अग्री नहीं हुई। तो उसके पश्चात उन्होंने कुछ थ्रेट्स इश्यू की, कुछ धमकियां दी और कुछ इंटिमिडेशन के, जो को भी मना लिया और वो भी एक डबल एजेंट बन गए। और उसने वॉन्ग की तरह ही MI6 के, यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, चाइनीज स्टेट सीक्रेट कई सारे अपनी फॉरेन कंसल्टेंसी के रूप में शेयर। अब ये जो पूरा वाकया है, ये जो पूरा इंसिडेंट है, उसको MSS ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो कि चाइना की मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिस्क्लोज किया और ये बताया कि किस तरह से MI6, जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने चाइनीज दंपत्ति को अपने ट्रैप में लिया और उन लोगों के पास से चाइनीज स्टेट सीक्रेट्स निकलवाए। अब ये स्टोरी यहीं तक उन लोगों ने बताई है। इसके आगे क्या होगा उन दंपतियों के साथ, तो ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से कोई चाइनीज कर्मचारी इस तरह से डबल एजेंट के रूप में पाया गया हो। कुछ साइंटिस्ट और अन्य ऐसे कुछ लोग हैं पास्ट में जो इस तरह का काम करते हुए पाए गए थे, डबल एजेंट के रूप में काम करते हुए पाए गए। जो लोग देश में थे उन लोगों के ऊपर मुकदमे चला गए और उन लोगों को अलग अलग प्रकार की सजाएं दी गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो विदेश में भाग गए थे, जैसे कि एक किस्सा है जहां पर एक व्यक्ति हांगकांग में जाकर छुपा था। उसका पूरा इंसिडेंट बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय के बाद उसकी डेड बॉडी एक लावारिस रूप में पाई गई और उसकी मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चला।
उसी तरह से वांग और जाओ को भी हो सकता है कि एक्सट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट भेजी जाए एमएसएस के द्वारा और चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर अगर MI6 और ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर सपोर्ट नहीं कर, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय के इन पति पत्नी की डेड बॉडीज कहीं पर अचानक से मिले और उन लोगों की जो मृत्यु है उसका कोई भी कारण पता ना चले। तो इस प्रकार से MI6 और MSS यानी कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस और चाइनीज इंटेलिजेंस के बीच में जो गेम चल रहा है, स्पाई गेम्स, उसका एक और प्रकरण निकल कर आया सामने। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे और खुलासे हों, क्योंकि ये जो स्पाई गेम्स है वो कॉन्स्टेंट चलती रहती, चाहे वो RNAW के द्वारा चलाई जाती हो, चाहे वो चाइनीज इंटेलिजेंस के द्वारा MSS के द्वारा चलाई जाती हो, चाहे वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 के द्वारा चलाई जाती हो, चाहे वो CIA के द्वारा चलाई जाती हो US से, या फिर FSB के द्वारा चलाई जाती हो रशिया से या कहीं और से। तो इस प्रकार की स्पाई गेम्स पूरी दुनिया कॉन्स्टेंटली चल रही है। चौकन्ने रहे, अगर आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ऐसे कोई भी ट्रैप करने की कोशिश करता है, ऐसे कोई भी रेड फ्लैग्स आपको पता चलते हैं, तो वो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, उनको समय रहते इन्फॉर्म करें ताकि आप किसी भी चंगुल में ना फंसे। भारत के भी कई सारे ऐसे किस्से निकल कर आए हैं जिसमें भारत के कुछ साइंटिस्ट को और कुछ मिलिट्री के लोगों को हनी ट्रैप किया गया था, या फिर अलग अलग तरीकों से ट्रैप में लिया गया था, चंगुल में फंसाया गया था और उनके पास से इंडियन इंटेलिजेंस ली गई। तो फिर से एक बार आप सभी से अनुरोध है, चौकन्ने रहें। आपको ये खबर कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, नरेंद्र माधव।